हेलो नमस्ते, मैं गौरव शर्मा, बैक अगेन ऑन माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे टिंडे। टिंडे की जो बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं, मुझे लगता है ना के बराबर लोगों को पसंद होते हैं टिंडे। तो हम टिंडे की ना मसाले वाली सब्जी बनाएंगे, स्टफिंग करके, जो मेरी मम्मी बनाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने अपना दिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये चार एकदम फ्रेश टिंडे हैं, इनको मैं पील कर लूँगा सारे। इनके छिलके जो हैं अच्छे से पतले पतले चाकू से रगड़ के निकाल देंगे हम। तो ये देखिए, ये छील लिए हैं, अब इनको ना कट लगाएंगे। तो नीचे से थोड़ा सा रखना है इसको, और इस तरह से चारों तरफ से इसे कट जाएंगे, चार उसमें भागों में हो जाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस वाला कट इस पर लगेगा। तो एक एक करके सारे टिंडों पर हमने लगा लिया कट। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मूंगफली ली है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। तो यही ट्विस्ट है, नॉर्मली मम्मी तो ड्राई मसाले डालते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफली को भी रोस्ट करके डाल रहा हूँ। जो हम मसाला भरेंगे उससे क्या है, टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। तो मूंगफली को यहाँ पे मैंने दरदरा पीस लिया है। इसको पीसने के बाद अब इसको एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ना बेसिक सारे मसाले हम मिक्स करेंगे। तो इसमें जाएगा नमक, नमक थोड़ा कम ही रखना, तेज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो ये सारे के सारे मसाले इसमें हम डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसको मिक्स करने के बाद इसको ना थोड़ा सा इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगा, ताकि वो थोड़ा बाइंड हो जाए और उसे मसाला जो है ना भरने में आसानी हो जाती है। तो ये देखिए, सारे मसाले कर लिए हमने मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें दो तीन ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के मैंने डाल दिए, ताकि ये इसको थोड़ा सा मसाला भरने में हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह से टिंडा लेंगे, इसको हम एक तरफ से खोल देंगे और चम्मच या हाथ से हम इसमें ये मसाला भरते जाएंगे। जो यहाँ पे कट लगा है ना, उसको थोड़ा सा खोलेंगे उसकी ओपनिंग को, और ये मसाला जो है इसमें प्रॉपरली हम भर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐसे ही सारे जितने भी आपके पास हैं, सब में आप इसको मसाले को प्रॉपरली भर लीजिए। अच्छे से भरना है उसको, चम्मच से, हाथ से, चाकू से, जैसे भी करके प्रॉपरली वो नीचे तक उसमें मसाला ना चला जाना चाहिए, उसके जो भी हमने कट्स लगाए हैं, तो तभी उसका टेस्ट उसके अंदर जाएगा। देखिए, ये भर के मैंने इसको रख लिया, बचा हुआ मसाला, यहाँ पे टमाटर प्योरी और कटे हुए प्याज। तो अब करना कुछ नहीं है, अब नॉर्मली इसको फ्राई करेंगे। पहले मैंने देखो, तेल अभी गर्म हुआ नहीं है प्रॉपरली। तेल गर्म करिए, जीरा डालिए, प्याज लंबे लंबे काट के उसमें डाल दीजिए और इसको भून लीजिए नॉर्मली, जैसे मसाला के लिए भूनते हैं। तो इसको डार्क ब्राउनिंग गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें भूनना। और इसी में देखिए, मैं डाल लिया टमाटर की प्योरी जो करके रखी है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लो। अब जो बचा हुआ मसाला है ना, वो इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसमें डाल देना है, अगर नमक थोड़ा सा अगर लगे तो मसाले में जाने की ज़रूरत है तो डाल दो। उसका हल्का सा पानी डाल के इसको मसाले को पकाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा मसाला डाल के पूरा पानी सुखाना है, इससे हमारा पक गया मसाला। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, पानी डाल के उसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा। तो ये जो टिंडे हैं हमारे, हम इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसको हम धीमी आँच पर पकाएँगे, तो जैसे पानी भी सूखेगा और उसके साथ साथ हमारे टिंडे भी जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे। अगर पानी नहीं डालोगे तो वो थोड़ा सा ना चिपकते हैं और वो पक बिल्कुल हार्ड से रह जाते हैं। देखिए, ढक के इसको 5 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे। और देखिए, ये हमारे बरवा मसालेदार टिंडे बनके हो गए तैयार, जो सबको अच्छे लगेंगे। आप अगर चावल के साथ खाना चाहते हो तो ग्रेवी थोड़ा सा पानी उसमें रख लीजिए, अदरवाइज़ मुझे ड्राई ही अच्छे लगते हैं ये।